दिल्ली के स्वरूपनगर थाना एरिया में महिला की संदिग्ध हालत में हत्या। मृतक महिला के सर पर भारी चोटों के निशान, परिजनों को हत्या की आशंका। मृतक महिला की पहचान सविता के रूप में हुई। स्वरूपनगर में सहपरिवार रहती है महिला। शक के दायरे में पुलिस ने मृतक के पति को लिया हिरासत में। परिवार का आरोप किया जा रहा है टॉर्चर। उत्तरी भारी जिले के अंतर्गत स्वरूपनगर थाना एरिया में महिला की संदिग्ध मौत। महिला के सिर पर बड़ा चोट का निशान। 36 साल की सविता नाम की महिला परिवार के साथ स्वरूपनगर में रहती थी। महिला के पति विकास शर्मा उर्फ विकी ऑटो चलाते हैं। विकास सुबह करीबन 5 बजे ऑटो लेकर चले गए और 9 बजे जब विकास ने सविता के पास कॉल की और फोन नहीं उठा पाया तो सविता की कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाली लड़की को विकास ने घर भेजा। फिर क्या था, जैसे ही लड़की ने महिला के घर जाकर देखा तो होश उड़ गए। महिला के कान से खून निकल रहा था। डरी सहमी लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सविता के घर में एक 10 साल की बेटी भी थी और उसे भी पता नहीं चला। पुलिस पति पे शक के आधार पर पूछताछ कर रही है, पर परिवार का आरोप पुलिस सविता के पति को टॉर्चर कर रही है। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि महिला की हत्या की गई है या मामला कुछ और ही है। फिलहाल शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और स्वरूपनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक अंकल, हम तो थाने में कल सुबह से बैठे थे, जिनका नाम लिखवाया उनको एक बार भी नहीं बुलवाया था। उसका क्या नाम है? एक डब्लू अंकल। और वो कंप्लेंट भी कर ली थी 2 घंटे के लिए। डब्लू अंकल ने उनको एक बार भी नहीं बुलाया है। तो आप तो पापा के किस पापा को क्या कर रहे थे? पापा से तो मिलने ही नहीं दे रहे किसी। पापा से मिलने नहीं दिया, मार पीट के और उनका पहले एक्सीडेंट हो पड़ा, उनका डैमेज है बिल्कुल। दो बार इसके एक्सीडेंट हो गए। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? मैं बताती हूँ सर, ऐसा था, कमेटी डाल रखी थी, कमेटी डाल रखी थी, मेरी बेटी थी, वो मेंबर थी कमेटी की, हेड थी। बताए आप, बताओ ना। फोन आया था, बस भैया ने कहा था कि मेरी बात करा दो भाभी से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया ताला लगा हुआ है गेट पे, फिर उसकी चाबी तो मेरे पास है। फिर मैंने कहा भैया अंदर वाले गेट की बाहर से कुंडी लगी है। कहे नहीं बेटा कुंडी नहीं लगी होगी, ढंग से देख। मैंने कहा ढंग से देख के बताया भैया। फिर मैंने कहा कि दोनों गेट बंद है। मैंने कहा देख रही हूँ तो छोटा वाला मैंने ही करके खोला तो खुल गया था छोटा वाला। फिर मैंने अंदर गई तो गेट खोला, फिर देखा तो दोनों सो रहे हैं, भाभी भी और उनकी गुड़िया भी। अच्छा। फिर मैंने गुड़िया को जगाया, बात कराई, तो पता नहीं है पापा का फोन है, बात कर ले और मम्मी से भी बात करा दी। मम्मी बात करी, मम्मी के पास थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाओ। वो हिला रही थी अपनी मम्मी को, नहीं थी कि मैंने हिलाया। उसने जब भी पता नहीं है लाइट जला, लाइट जलाए तो फोन देख के मैं डर गई। फिर रोटी बाहर भाग के आई तो पड़ोसी सारे। तो आपने वहाँ आस पास कुछ ऐसा चीज देखा जो उसके सर पे चाहे कुछ ऐसे बार हुआ तो उसके ब्लड निकला हुआ था कुछ वहाँ आसपास? ब्लड निकला हुआ था, बाकी आपने वहाँ आसपास कुछ देखा? कुछ भी नहीं देखा। ब्लड किधर से निकला था, सर से? यहाँ पे देखा था मैंने। अच्छा, गर्दन पे क्या चीज़ के कुछ निशान उशान दिखा? कुछ भी नहीं देखा, खाली ब्लड आपने दिखा। उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद फिर मैं घबरा गई थी, फिर रोती हुई बाहर आई, सबको लेकर पड़ोस में सब अंदर गए। अच्छा, पड़ोस में आपने बताया तो पड़ोसी सारे अंदर गए? फिर 100 नंबर को फोन किया। अच्छा, फिर पुलिस आई तो क्या करवाई रहा उसके? फिर पुलिस वाले अपनी बातचीत कर रहे थे अंदर जाकर। इस टाइम मौके पर कोई आपके पड़ोसी कोई मौके पर वहाँ खड़ा था? इतना ध्यान नहीं था, और मैं घबराई हुई थी, मैं डर गई थी बहुत, इसलिए बाहर जाती हूँ। बहुत सारी पब्लिक थी दीदी ने कमेटियाँ डाल रखी थी। किसने टॉर्चर कर रहा था? मेरी दीदी की दुकान में आग लग गई थी 9 फरवरी को भैया दूज वाले दिन, तो उसके बाद से मेरी दीदी का 20-25 लाख का माल सारा जल गया था, नुकसान हो गया था। उन्होंने सबको कमेटी वाले सब परेशान कर रहे थे कि कमेटियाँ थे। मेरी बहन ने हाथ जोड़ के बोला था मैं सबके पैसे दूंगी, मेरे को एक बार मार्केट में बैठने को दोबारा से है। लेकिन जो डब्ल्यू कमेटी वाले रोड टॉर्चर कर रहे थे, आए दिन कोई ना कोई आता था। सबसे ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था डब्ल्यू नाम का, वो सोनीपत में रोड गाँव का SHO है, रिटायरमेंट है। अच्छा। वो उसने कुछ दिन पहले मेरी भांजी है जो उनकी गुड़िया, उनको किडनैप भी कर लिया था, 2-2.5 घंटे के लिए अपने पास बिठा लिया था। अगर आपकी वो भांजी को किडनैप किया था तो आपने 100 नंबर पर कॉल की थी? नहीं किया था, क्योंकि वो हमारे, हम भी रोड गाँव के ही है, आपस में हम चाचा चाची जी कहते थे उनको, ऐसे चाचा चाची जी कहते थे। तो उनकी जो वाइफ है, हमने बोला जब वो कहते उनकी चाची है जो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने आके बोला कि बेटा तेरा चाचा ना भड़काई में आ रहा है, तेरे चाचा को समझ नहीं आ रहा कि तेरे चाचा के हमारे गांव की बेटी है, तेरे चाचा ना को ना भड़का रहे, राजा साहब दिखती भड़का रहे, ये बोलती थी मेरी दीदी। अच्छा, किसने भड़काया था?
दीदी का नाम लेते थे हमारी शॉप के साथ में, ये बता रहे हैं और कमेटी वालों को। तभी फिलहाल जो जिसको जिसके पैसे देने थे, कौन कौन व्यक्ति है जो टॉर्चर ज्यादा कर रहा था? डब्लू और कितने व्यक्ति थे जिनको पैसे देना था वो ज्यादा टॉर्चर? गुड़िया बताएगी अभी, वो जिस दिन मुझे वारदात हुई है उसी दिन एक वही जिसकी मैं डब्लू नाम है उनकी वाइफ भी दुकान पर आई है शॉप पे, वो भी बोल के गई है और एक लेडी सो रही थी, वो गुड़िया बताई थी, गुड़िया को पता, गुड़िया से पूछा उसका नाम कौन है, गुड़िया को नाम नहीं पता। वो लग गई तो 20 से 25 लाख रुपए का उसका नुकसान हो गया, जिस रोजी रोटी से वो सब कुछ लेन देन करती थी वही चला जाएगा तो वो देगी कहाँ से। तो उसने ये बात बोली सारे मेंबरों को कि मेरा काम चलने दो, मैं सबको हाथ जोड़कर पैसे दूंगी। उसके तकरीबन अब से एक डेढ़ महीने पहले ये ट्यूशन जा रही थी, ट्यूशन से इसको डब्लू नाम है, डब्लू नाम के आदमी ने रोक कर फोन करके भाई को बोलते हैं अपनी लड़की तब ले जाइयो जब तू पैसे देगी। उस टाइम पर वो 10-15 मेंबर घर पर इकट्ठे होकर आ गए, तब भी उसने बोला कि मैं एक एक कमेटी चला सकती हूँ, एक एक कमेटी चलाकर मैं सबके पैसे दूंगी। आपकी लड़की को पुलिस में कभी कंप्लेंट नहीं, उस टाइम पर कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि वो उनके गांव का ही है, रिश्तेदारी में उनको चाचा बोलते हैं जिसने ये काम किया था। तो उन्होंने कहा चल आपसदारी की बात है क्या भार फैलानी इस चक्कर में, उसके बाद फिर हाँ कर दी। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद कभी सुबह 5 बजे कभी 6 बजे की अपने मकान के पेपर हमें दे दे, कभी ऑटो हमें दे दे, कभी गाड़ी हमें दे दे, इतना ज्यादा उसको टॉर्चर कर रखा था उसने।